हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो इसलिए भी है क्योंकि आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मुनशारी रीजन की वन ऑफ द फेवरेट एंड पॉपुलर बेवरेज है, जिसका नाम है ज्या, और जिसे नमकीन चाय भी बोलते हैं। नमकीन चाय है। सो जब आप नमकीन चाय के बारे में सोचते हो, जनरली आपके दिमाग में वो कश्मीरी कावा आता है, बट इट्स नोवेयर रिलेटेड टू कश्मीरी कावा। जो इंग्रेडिएंट है जा के वो काफी डिफरेंट होते हैं। सो आज जो मेरी हेल्प करेंगे वो है मेरी सिस्टर सनालिनी, को आपने ऑलरेडी देखा होगा तारीखेत वाले ब्लॉग में। दी हाँ, सो आज हम लोग कैप्चर में होंगे। आई डोंट वांट टू कम ऑन द कैमरा। ओके, सो दी नहीं आना आज। ठीक है, तो दी आज नहीं आने वाली कैमरे में। शील बी द शेफ, मैं उनको रिकॉर्ड करूंगी। तो स्टार्टिंग विद द इंग्रेडिएंट्स, दी एक बार बता दे क्या है। सो वी हैव टू सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ओवर हियर। पहला जो हमारा सेट है उसमें जा बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज होंगी वो है, और ये सेट टू इंग्रेडिएंट है। इसमें जा के साथ जो खाने में इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो रखी है। ठीक है, तो पहले हम सेट वन की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये लोएटा है, जिसको हम जा की चाय पत्ती कह सकते हैं। ये देख लो, और ये लकड़ी जैसा है ना। हाँ, ये लकड़ी जैसा। यूजुअली क्या होता है कि ये पाउडर्ड फॉर्म में भी मिलता है हमें, पर हमारे पास गांव से आया हुआ है, तो इसको हम इसमें कुटनी में डाल के कूट लेंगे। फिर जार जब बन जाता है तब हम उसमें ऐड करते हैं मलाई। एक से दो चम्मच मलाई यूज़ होगी। आधा कप हमारा दूध यूज़ होगा। एक चम्मच घी यूज़ होगा। स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, और ये लौंग है, इसको हमें फ्लेवर के लिए डालना है। ठीक है, लौंग तो सब समझते ही होंगे, क्लाव जो होता है, तो ये हम फ्लेवर के लिए डालेंगे। यूजुअली लोग इसे चाय में भी यूज करते हैं। एंड वन टॉल ग्लास ऑफ वाटर। ओके, वील पोर दिस टॉल ग्लास ऑफ वाटर। इसको थोड़ा देर गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा जा बॉईल हो रहा है, हम उसका जो फर्दर प्रोसेस रहता है वो कर लेते हैं। ऐसा सा बर्तन लेंगे और इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हम डेढ़ चम्मच मलाई डाल रहे हैं। ओके, तो हमारा जाब उबल चुका है। अब हम इसको इस वाले पैन में पोर करेंगे जहाँ पे हमने मिक्सचर है वो बना के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा पिंकिश सा कलर रहता है, जैसे कावा भी हल्का पिंक रहता है ना, तो उस तरह का ही रहता है। अच्छी आ रही है ना खुशबू। हमारा जा रेडी है, और जा के साथ खाने वाले इंग्रेडिएंट्स भी है हमारे पास। हमारे पास खाजा है, वी हैव सत्तू एंड वी हैव शुगर एंड घी, और ये एक्स्ट्रा बाउल है जिसमें हम अपना मिक्सचर बनाएंगे, सत्तू का मिक्सचर। ऑलमोस्ट दो चम्मच जितना हमने सत्तू डाल दिया। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, जम जाती सारी चीज़ें नहीं। और अब हम, वैसे यूजुअली लोग हाथ से मिलाते हैं, बट यू नो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता, तो इसलिए मैं चम्मच से मिला रही हूँ। अरे तो काफ़ी वाटरी बन गया, तो हम इसमें थोड़ा सा और सत्तू ऐड कर लेंगे। ये देखो बन गया ना, ये डो टाइप बन गया। और जो दूसरा तरीका है उसमें ये खाजा लिया, और खाजा को हमने जा में डाल देना है। सो ये जो बेवरेज है जा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जा जो है पॉपुलर है उत्तराखंड में, कुमाऊं रीजन का एक पार्ट जिसे मुनशारी बोलते हैं, वहाँ का एक स्पेशलिटी है और काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेवरेट बेवरेज है। तो कभी आप उस साइड जाओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। उसके साथ आप सत्तू भी ट्राई कर सकते हो। दो सत्तू मुझे उतना पसंद नहीं क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा खाया नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, आपको अच्छा लग भी सकता है। सो ये ज़रूर ट्राई करना। एंड नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग से डिशेस, कुछ मुनशारी की क्यूजीन से हम लोग लेके आएंगे। और इस बार मेरी सिस्टर भी आएगी, अभी तो बिहाइंड द कैमरा वो बोल रही थी, बट अभी वो भी आएगी नेक्स्ट व्लॉग में। एंड विल कुक समथिंग वेरी स्पेशल। तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो।